छेड़छाड़ के विरोध में दबंगों की पिटाई से पिता की इलाज के दौरान मौत। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में दबंगों द्वारा युवती के साथ छेड़छाड़ का विरोध करना उस समय भारी पड़ गया जब दबंगों की पिटाई से घायल हुए एक पिता की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया और थाना पुलिस पर दबंगों से हमसाज होने का भी गंभीर आरोप लगाया है। मुंडा पांडे थाना परिसर में आज दोपहर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब क्षेत्र के महेशपुर डीला में दबंगों ने गाँव की एक युवती के साथ अभद्रता करते हुए छेड़छाड़ कर दी, जिसके विरोध में युवती के पिता हरिओम ने बात करनी चाहिए तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट करके घायल कर दिया। ये घटना कल शाम को घटित हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही, लेकिन युवती के पिता को अकेला पाकर दबंग आरोपियों ने फिर से जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें हरिओम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद मुंडा पांडे थाने में पीड़ित पक्ष के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पीड़ित पक्ष ने थाना पुलिस पर आरोपियों से हमसाज होने का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई और उसी के पति की पिटाई से मौत हुई है। हंगामे की सूचना पर एसपी सिटी अमित आनंद भी थाने पहुंच गए और पूरी मामले की जांच करने की बात कही है। अभी तक 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और दबिशे जारी हैं। मेरे कुसम महेशपुर भीला। अच्छा, क्या हुआ कल शाम आपके साथ? जय सांझ ऐसा हुआ, मेरी लड़की को नाले लगा रहे थे जी लोग। मैंने बूझी जब तुझे ऐसा पता आई तो तू मेरी लड़की को उस लौंडे को मेरे साथ लेके आती, मेरे धोरे में बूझती उससे। तो इसने बोली कि तू क्या बूझेगी, मैंने देख लिया था। तो मैंने तेने पूरे गांव में क्यों कर दी, मुझसे तो कह सकती तू। इतने में ही लठ ले लेके सब तने आए, सबने सीने फोड़ दिए। कौन कौन आए लठ लेके? धर्मपाल, अमर सिंह, अमर सिंह के लौड़ा दोनों, धर्मपाल के लौड़ा दोनों, जे 6-7 जने है, जे 3 ही भैया है। नाम बताना। पुलिस पहुंची थी मौके पर? पुलिस पहुंची ही, पुलिस उनके लंकी कह रही, मेरे लंकी का उन्हें ना कही रे। क्या कहना था पुलिस का? पुलिस जो कह रही के पुलिस वाले कह रहे यहाँ क्या करने आए हो, पहले मारकूट करते हो, गलती तुम्हारी है इसमें। उन लोगों ने पैसा भर दिए एकदम आके यहाँ, और सवेरे सवेरे गए तो मुझे दीमान जी साहब मुँह पकड़ के परे कह रहे तुझे बताऊंगा ते तो पर लठ पड़ेगा, तब तुझे जेल भेजूंगा, तेने कराई है रे। अच्छा, सुबह झगड़े में किसकी मृत्यु हुई है? सवेरे हरिओम की भैया, मेरे पति की रे। और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। इसमें जो अन्य लोग भी जो बताए जा रहे हैं इस घटनाक्रम में, उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। मैं परिवार जनों और जो मौके पे साक्षी थे सभी से बात करके कार्रवाई की जाएगी। सर, इन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने हमें ही मारा है और उन लोगों ने भी हमें मारा, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, बाद में हुई है सर। इसमें जो जिन पे इन्होंने आरोप लगाया है, इनमें से 4 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, क्योंकि कल दोनों ही तरफ से आपस में झगड़ा हुआ था, दोनों की तरफ से मुकदमा किया गया था, तो उसमें विधि के अनुसार कार्रवाई की गई थी। उसके बावजूद फिर सुबह इनके बीच में झगड़ा हुआ है और उसमें ये ऐसी घटना घटित हुई है। इसके बाद लगातार पुलिस अरेस्टिंग के लिए प्रयासरत है। जो बचे हुए 4 लोगों को एलईडी हिरासत में ले लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। ठीक है।